अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरादा हिरामोश जाने का है, हिरामोश जाकर मदहोश होने का है, क्योंकि सुनते हैं कि हिरामोश का हुस्न और उसकी जो खूबसूरतियां हैं उनकी ताब नहीं लाई जा सकती और इंसान होश खो बैठता है। हिरामोश का खूबसूरत नाम मेरे वतन के नावल निगार की पलकों पर कहीं अटका था। हिरामोश जाने का ख्वाब मुस्तंसर हुसैन तारड़ का देरीना ख्वाब था, अब वो ख्वाब ताबीर होने जा रहा है। हिरामोश एक अजीम मुसन्निफ़ के कलम से और इस प्रोग्राम में उनकी शिरकत के तवस्सुत से नाकाबले फरामोश बनने जा रहा है, लेकिन हिरामोश अभी दूर है। हिरामोश जाने के लिए सबसे पहले लाहौर जाना होगा, जहां मुस्तंसर हुसैन तारड़ के घर पे उनके दोस्त इकट्ठे होंगे और वहां से हमारा सफ़र हिरामोश के लिए शुरू होगा। इंतज़ार किस चीज़ का है, चलें लाहौर। रात गए तार साहब के घर में रवानगी की तैयारियां आखिरी मराहिल पर थी। तार साहब के हमरा जाने वाले उनके दोस्त उनके घर पहुंच चुके थे। पिछले बरस यही दिन थे जब मेरे मुतअद्दद ऑपरेशन हुए। मैं उनकी तफसील में नहीं जाता, मुख्तसरन ये कि मुझे अल्लाह ताला ने थोड़ी सी मोहलत और दे दी। अब जब वो मोहलत मिलती है तो ये ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगते हैं जिन्हें आप पहले देखते ही नहीं थे। परिंदों को देखते हैं, घास को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, दरख्तों को देखते हैं, और इस तरह देखते हैं जैसे पहली मर्तबा देख रहे हैं। तो बाहर तौर जब मैं सेहतमंद हुआ तो डॉक्टर महमूद अयाज, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं क्या मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हूँ या मुझे कुछ एहतियात करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों की। कहने लगे नहीं माशाल्लाह आप बार मैं आपको बिल्कुल फिट करार देता हूँ। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताई, क्या मैं पहाड़ों पे जा सकूँगा? कहने लगे कि आपने ये सवाल क्यों पूछा? तो मैंने कहा कि मेरे लिए जो सेहत है उसकी शर्त पहाड़ों पे जाना है। तबा जो अब ये है वो हिर्स से बाज नहीं आती, तो हिर्स पहाड़ों की है। मुस्तंसर हुसैन तारड़ की आँख को मंजरों की हवस क्यों है? क्यों वो मंजरों को और मंजर उनको देखने को बेताब रहते हैं? ये सवाल एक बड़े मुसन्निफ ने एक बड़े मुसन्निफ से किया था। मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने रसूल हमजा तौफ से किया था। तारड़ साहब ने रसूल हमजा तौफ के घुटनों पे हाथ रखा और कहा, रसूल हमजा, मेरे अंदर मंजरों की हवस खत्म नहीं होती, चश्मे खुश्क नहीं होते, चरागाहों की हरियावल बरसों कायम रहती है, बर्फजारों की यखबस्तगी मेरे बदन को सर्द नहीं कर सकी, हर सुबह मेरी उंगलियों में से उन पानियों की महक आती है जिन्हें मुद्दतों पहले मैंने छुआ था। ये हवस कब खत्म होगी? कभी नहीं। रसूल हमजा तौफ ने तारड़ साहब की हथेली की पुश्त को सहलाया, यही हवस तुम्हें लिखने पर मजबूर करती है, तुम्हें ऐसी कुव्वत देती है जो दूसरों के पास नहीं, और मैं तुम्हें रश्क की निगाह से देखता हूँ, तुम एक खुशनसीब शख्स हो। पिछले बरस भी मैंने कोशिश की थी। एक बात ये हिरामोश है, उसकी मैंने सिर्फ तस्वीरें देखी। स्कर्दु रोड के ऊपर ससी एक गांव है छोटा सा, वहाँ से ऊपर जाते हैं, दो दिन का ट्रैक है, तो इरादा वहाँ का है इंशाल्लाह। रास्ते में कागान बाबूसर वगैरह गिलगित भी जाना होगा, और आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि ये सफ़र जो है कामयाब रहे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर कोई मसला हुआ, मैंने इन सब दोस्तों से कह दिया, ये सब मुझसे कम उम्र है, मैंने इनसे ये कह दिया कि जहाँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं दिलेरी नहीं दिखाऊंगा, मैं कहूँगा कि बस अल्लाह ताला ने यहाँ तक मुझे इजाज़त दी थी, मैं आया, यहाँ से लौट जाऊँगा। दरवेश जब जंगल में जाता है तो जंगल के तमाम गुल बूटे शजर और पत्थर उससे बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और वो उनकी गुफ्तगू समझता है और उनको जवाब देता है। आप यकीन करें या ना करें, ये एक फैक्ट है कि मैं भी जब जाता हूँ बुलंदियों पर और जंगलों में और पहाड़ों पर, तो एक एक पत्थर, एक एक नदी जो है वहाँ पे, एक एक शजर, और वो जितने मैं वो हम कलाम होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैं अब तक 15 किताबें मैंने लिखी हैं तो वो उस हम कलामी पर लिखी। तो जाहिर है कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। अब मैं अगर वहाँ पर पहुँच गया वादी हिरामोश, जो कहते हैं कि फेरी मेडो से ज़्यादा खूबसूरत, और हिरामोश मुझे लफ्ज़ भी बड़ा फैसिनेट करता है, और मैंने ऑलरेडी सोच ली है कि
अगर चोर चोरी से ना जाए और एक और सफरनामा लिखे तो उसका नाम होगा हरामोश नाकाबले फरामोश। ब्रेक के बाद देखिए लाहौर से रवानगी और नारान आमद। मुस्तनसर हुसैन तारड पहली दफा नारान 1956 में आए थे। सफर शुरू हुआ और कलर कहार पहुंचे ही थे कि गाड़ी खराब हो गई। एक और कोस्टर का इस्लामाबाद से इंतजाम किया गया, लेकिन कोस्टर के आने तक कलर कहार ही में नाश्ता किया और डॉक्टर एहसन और कामरान सलीम की तारड़ साहब के कान में सरगोशियां जारी रही। जैसे ही कोस्टर में सफर शुरू हुआ, तारड़ साहब के दोस्तों ख्वाजा तनवीर और डॉक्टर नसीम की चहकों में इजाफा हो गया। नींद क्यों रात भर नहीं। रास्ते में एक अफगान होटल से यादगार खाना खाया गया। सर क्याम के लिए नारान में पहुंचे और यहां पीटीडीसी में क्याम रहा। मुस्तनसर हुसैन तारड पहली दफा 1956 में नारान आए थे। यकीनन आज के नारान ने उनको काफी मायूस किया, लेकिन किससे गिला करें। ज़िंदगी में पहली मरतबा है कि मैं शुमाल को जा रहा हूँ, लेकिन एक डिफरेंट रूट इख्तियार किया है, यानी बिशान की जानब से नहीं बल्कि कागान नारान की जानब से। हम बाबूसर टॉप को क्रॉस करके चिलास में उतरेंगे। नारान मेरा सबसे पुराना इश्क, सबसे पुरानी मोहब्बत। लेकिन हुआ ये है कि इस पुरानी मोहब्बत को जब दोबारा देखा है तो ये नहीं कि ये मोहब्बत बूढ़ी हो गई है। बाज़ औक़ात ज़ाहिर है मोहब्बतें भी बूढ़ी हो जाती हैं हमारी तरह, तो उसके चेहरे को देखकर ज़रा पशेमानी हो, ऐसा नहीं है। इस चेहरे को बर्बाद किया गया, ये बूढ़ा नहीं हुआ। और पहली जो एक्सपीडिशन गई थी रत्ती गली 1956, तो पहली मरतबा मैं नारान आया था और ये एक वसी इलाका था। यहाँ पे कुछ गुजर झोंपड़े थे, ये उनमें से एक गुजर अभी तक यहाँ पे मौजूद है। तो दो तनूर थे, एक यूथ हॉस्टल था, एक घर था। इसके सिवा यहाँ पे कुछ नहीं। ये इतना ओरिजिनल था कि यहाँ इंसान जब आता था तो चुप हो जाता था। अब जो इसकी शक्ल मैंने देखी है तो बहुत अफसोस हुआ है। यानी इतनी बेतरतीबी है यहाँ पे, हज़ारों की तादाद में टेंट लगे हुए हैं और लोग हैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और ओवरऑल सब लोग नहीं। एक ब्लैकमेलिंग का आंसर जो हमारे पहाड़ी इलाकों में अब परवरिश पा रहा है, वो सवात में भी है, वो मरी में भी है, वो नारान में भी है, कि जो मासूम किस्म की फैमिलीज आती हैं और उनके पास ठहरने की कोई जगह नहीं होती तो एक टेंट के लिए लोग 20,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि इसमें नाहली जो है वो इंतज़ामिया की है। मसलन आप हुंजा जाते हैं तो हुंजा के बाहर मुख्तलिफ बोर्ड लगे हुए हैं कि फलां जो रेस्टोरेंट है, होटल है, 5 स्टार है, 4 है, 3 है, उसका ये रेट है और उसका ये रेट है, और उससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं करते। यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर इसको तरतीब से तामीर किया जाता, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं, पाकिस्तान की तामीर में कोई इंटरेस्टेड नहीं, तो नारान की तामीर में कौन इंटरेस्टेड होगा। तो ये बिलाशुबा ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं बल्कि मेरा ख्याल है ज़्यादा पुरफजा मकाम था। तो बस दुख हुआ है इस पुराने महबूब की शक्ल देख के जो बिगड़ चुकी है। अल्लाह करे कि जो यहाँ पे ऐसे हैं लोग जिनके हाथ में इख्तियार है वो दूसरे जो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं गैर ज़रूरी, वहाँ से इधर नज़र करें। अच्छा, ये मुर्ग जो बोल रहा है ना सुबह सवेरे से, ये 7 साल झोंपड़े हैं और ये मुर्ग मुझे बहुत तंग कर रहा है, और देसी मुर्ग है,
बहुत जी चाहता है। अब आपको पता ही कि मुसलमानों का शौक ही जो हम लोग तो मतलब मुर्ग देखते हैं तो उसको सालों मालों में तो देखते ही नहीं, उसको रोस्ट हालत में देखते। बाहर तक हमने नाश्ता कर लिया है और अब हम बाबू सर को क्रॉस करके विल गो अप टू चिलास और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि शुमाल में कम इलाके हैं जहाँ पे मैं नहीं गया, लेकिन ये जो है लूलूसर झील के किनारे मैंने जब रथी गली पीक में गया हूँ मैं तो मैंने कैंप किया है लेकिन उसके आगे नहीं गया, तो नेचुरली एक जो अननोन है उसकी फैसिनेशन मुझ में है। ब्रेक के बाद नारान में मुख्तसर कैंप के बाद हम चले बाबूसर टाप और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने किया मुस्तनसर हुसैन तारड़ का इस्तकबाल। बाबूसर की जानिब सफर एक खूबसूरत तजर्बा है। नारान से आगे की लैंडस्केप और मनाजिर एक और ही खूबसूरती लिए होते हैं। वादिये कागानु नारान नारान से आगे जाकर वसी होना शुरू हो जाती है। बाबूसर टाप अपने चारों तरफ के मनाजिर की वजह से शोहरत रखता है। रास्ते में हमें इतला मिली कि वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुस्तनसर हुसैन तारड़ को गिलगित बल्तिस्तान में खुश आमदीद कहना चाहते हैं। हमने रात नगर में क्याम करना था लेकिन पहले गिलगित पहुंचे जहां वजीर आला अपनी टीम और गिलगित बल्तिस्तान के अदीबों और दानिश्वरों के हमरा इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। आपको वेलकम कहते हैं चाचा और हमारी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह आगे भी आपसे हमें इस्तेबारा करना है क्योंकि बल्तिस्तान को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने एक्सप्लोर किया है तो आपने किया है। आपकी तहरीरें आपके सफर करने जो है वो पढ़ के दुनिया के लोग आए। पिछले साल यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5 लाख के करीब टूरिस्ट टूरिस्ट आया। इस वक्त मौजूद है, मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कुछ 2.5 लाख टूरिस्ट इस दिन इस वक्त सुबह में मौजूद है। ड्राई बोर्ड से गुजरे तो मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि आप देखो यहाँ 100-150 जीपें खड़ी, तो मैं आज से 30 साल पहले ये बॉर्डर रेप थी तब इधर से रास्ता नहीं जाता तो मैं वहाँ पहुँचा था तो मेरी किताब जो भी नांगा पर्वत बल्तिस्तान दास्तान उसके ऊपर प्रेजिडेंट्स अवार्ड भी मिला, वो बुनियाद साबित हुई गली मेडो की इंट्रोडक्शन की इन पाकिस्तान की गोरे को तो पता तो वहाँ जितने बल्कि रहमत बाबी साहब हैं वो बीमार हैं तो उनको मैं मिला, बल्कि वो इतने ग्रेटफुल थे मेरे कि उन्होंने वहाँ पे एक छोटी सी झील है उसको तारण झील का भी नाम दिया हुआ है, मेरा जहाँ मैंने टेंट लगाया है उसको फिर वगैरह। असल में जितनी मोहब्बत मुझे शुमार ने दी है ना, मैंने और जगहों के बारे में लिखा है वो किसी और खत्ते ने नहीं थी। और मैं बेसिकली मतलब ये मेरा महबूब है और इसके ऊपर महबूब के ऊपर एहसान नहीं करते उसके हुसन को अगर आप बयान करते हैं, बल्कि आप अपने आप को खुशकिस्मत कर जानते हैं कि आपका महबूब है। आखिर में मुस्तनसर हुसैन तारड़ को उनकी खिदमात के अतराफ में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने अवार्ड्स और शील्ड्स पेश की।
यहाँ से हमारे सफर का बाकायदा आगाज होता है। अगली किस्त में देखिए मुस्तनसर हुसैन तारण पहुंचते हैं नगर, और नगर में उनके लिए है एक हैरान कर देने वाला इस्तकबाल। जाते हैं अपने महबूब मुर्जा से मिलने, देखते हैं आठवें अजूबा कराक्रम हाईवे की अजूबा टनल्स को, आंखों में समोते हैं अताबाद झील के फिरोजी पानियों को। और वो खातून कौन थी जिसने 35 साल कबल तारण साहब को कहा था, क्या आपने हमारा उंजा का पानी पिया है? खातून से और उनके अहले खाना से दिलचस्प मुलाकात।